गेमिंग इंडस्ट्री आज बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री से भी ज्यादा बड़ी बन चुकी है, और जिस तरह हर बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवी सुपरहिट नहीं हो सकती, उसी तरह हर गेम हर किसी को पसंद भी नहीं आ सकती। सो मेरा नाम है आयुष शर्मा, आज मैं आपको 5 पिलर्स ऑफ अ ग्रेट गेम बताता हूँ। सो लेट्स बिगिन। पिलर नंबर 5, ग्राफिक्स। भले आप मेरे साथ एग्री करें या ना करें, पर ग्राफिक्स एक गेम को डेफिनेटली ब्यूटीफुल और अमेजिंग बना देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गुड ग्राफिक्स इज इक्वल टू गुड गेम, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट गुड ग्राफिक एक गेम को डेफिनेटली बैड ग्राफिक गेम से एक एक्स्ट्रा पुश या एक्स्ट्रा एज जरूर दे देते हैं। और ये एक ऐसा गेमिंग पिलर है जिसके बिना आपकी गेम कोलैप्स तो नहीं करेगी, मतलब बुरी तरह नहीं पिटेगी, पर थोड़ी टेढ़ी जरूर होगी। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ या नहीं समझ रहे। पिलर नंबर 4, गेम प्ले मैकेनिक्स। अब अगर एक विचर 3 जैसी अमेजिंग लेजेंडरी गेम को बैड रिव्यू मिल सकते हैं उसके नॉट सो गुड कॉम्बैट सिस्टम के लिए, तो सोचो एक ऑर्डिनरी गेम का क्या होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अ गेम विदाउट गुड गेम प्ले मैकेनिक्स इज जस्ट लाइक हैविंग अ $300 चेयर एंड नॉट बीइंग एबल टू डू दिस। कैन यू डू दिस? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुरे गेम प्ले मैकेनिक्स एक गेम को बर्बाद तो नहीं कर सकती, बट दे डू मेक अ हेल ऑफ डिफरेंस। पिलर नंबर 3, ऑप्टिमाइजेशन। ये तो एक ऐसा पिलर है जिसके बिना कभी भी कोई गेम नहीं चल सकती, नो पन इंटेंडेड। फॉर एग्जाम्पल, आप Assassin's Creed Origins को ही ले लो। ये गेम इतनी अच्छी RPG गेम है। Assassin's Creed Ubisoft की तरफ से पहली बार इतनी अच्छी RPG गेम आई है, पर इसमें जो डनी वो क्रैक सिस्टम लगाया जो कि गेम को पायरेट होने से रोकता है, वो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द CPUs को बॉटलनेक कर देता है। तो आप खुद सोचो उस गेम को कौन खेलेगा जिसे खेलना ही इम्पॉसिबल हो। पिलर नंबर 2, गेम मस्ट बी चैलेंजिंग। हालांकि ये तो मेरे पर्सनल ओपिनियन होंगे, पर ये बात आप भी सोचकर देखिए, एक हार्ड गेम डेफिनेटली इजी गेम से तो अच्छी ही होती है। और ये बात आपको माननी ही पड़ेगी कि हद से ज्यादा इजी गेम कभी अच्छी नहीं हो सकती। टॉम रेडर। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि एक गेम को गॉड लेवल डिफिकल्टी का हो जाना चाहिए जैसे डार्क सोल्स है, पर टॉम रेडर जितनी आसान भी ना हो कि आपको बस आगे आगे जाना है और गेम पार हो जाए। क्योंकि अगर गेम हार्ड होगी तो हमारी मोटिवेशन बनेगी कि यार आज तो करके रहूंगा इस लेवल को पार। सो कुछ ऐसी मेरा यह पर्सनल ओपिनियन है, ये आपका मुझे पता नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपका भी ओपिनियन है तो। एंड पिलर नंबर 1 इज स्टोरी लाइन। बिना इस पिलर के तो एक गेम को सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। वैसे होते हैं क्या भगवान यार? जय महाकाल, जय श्री राम। क्योंकि स्टोरी लाइन एक ऐसी वजह है जो मूवीज को देखा जाता है और गेम्स को खेला जाता है। चलो मान लिया आपके पिछले 4 पिलर्स बिल्कुल घटिया हैं, बट स्टिल यू हैव अ बैकअप टू मेंटेन दैट गेम। आपके पास एक स्टोरी लाइन तो है उस गेम को बचाने के लिए, पर अगर आपके पास एक अच्छी स्टोरी लाइन नहीं है तो पिलर्स तो छोड़ो, कोई आपकी गेम के आगे ही नहीं जाएगा। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। मैं होप करता हूँ आपको ये 5 पिलर्स अच्छे लगे होंगे या आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ देखने को मिली होगी। अगर ऐसी ही गेमिंग की नॉलेज पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड सब्सक्राइब बटन है और बेल आइकन को भी दबा लें। एंड आई सी इन द नेक्स्ट वन, एंड टिल देन टू स्वीट।